अस्सलाम वालेकुम। सर, वालेकुम अस्सलाम। कंदा, क्या हाल है? अल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? का शुक्र, अल्लाह। अच्छा, अभी सर कोई आया कहाँ? नहीं अभी तक। अभी तक तो कोई भी नहीं आया। मैं आ रहे पार्टिसिपेंट आस्ता आस्ता। अच्छा सर, जब तक मैं बात कर लूं। हाँ, बोले क्यों नहीं बोले। सर मुझे ना एक ये पूछना था कि मेरा नेक्स्ट सेमेस्टर से थीसिस स्टार्ट है, तो मुझे सुपरवाइज करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, इंशाल्लाह। आप? वालेकुम अस्सलाम शहरयार, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ना एक और भी चीज पूछनी थी सर। एक मेरी दोस्त है, वो वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रही थी मैंने, क्योंकि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में काम किया हुआ है, लेकिन वो पूछ रही थी कि ड्रिंकिंग वाटर का ट्रीटमेंट। वो बोल रही थी कि पानी का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, बाकी उसमें कोई कंटेमिनेशन या किसी तरह की कोई चीज नहीं है, सिर्फ उसका टेस्ट चेंज हो गया। तो उसके लिए कोई क्या कहते हैं ट्रीटमेंट है? मेरे जहन में कोई आ नहीं रही थी। मतलब वेस्ट वाटर मतलब होता तो फिर मैं उसे बहुत सारी चीजें बता देती। मतलब पानी के, ड्रिंकिंग वाटर है, हाँ, पानी मतलब पीने वाला जो घर में होता है, यूज होता है जमीन का, उसके अंदर उसका टेस्ट चेंज हो गया है। मतलब उसके अलावा कोई कंटेमिनेशन किसी भी तरह की नहीं है, नहीं है। लेकिन सिर्फ उसका टेस्ट टेस्ट कराया? चेंज टेस्ट हो गया है। कराया उसने? नहीं, टेस्ट नहीं करवाया उसने। फिर कैसे कह सकते कंटेमिनेशन नहीं है? सर मुझे ये लग रहा था, मुझे ये लग रहा था कि शायद उसका पानी जो है वो हो गया है। मतलब उसके, मैंने उसे कहा था कि शायद अगर, क्योंकि वो पंजाब में किसी गांव वगैरह के साइड पर रहती है, तो मैंने, मुझे लगा था कि शायद उसके अंदर एग्रीकल्चर रन ऑफ नीचे से लीकेज वगैरह कुछ हो गया हो, तो उससे भी नाइट्रेट फॉस्फेट पानी के टेस्ट को चेंज कर देते हैं, या अगर हार्डनेस ज्यादा हो जाए तो। एक दफा टेस्ट करा ले पानी का। पानी का टेस्ट कराने के बाद अगर उनकी क्या कहते हैं शिकायत दूर नहीं होती, मतलब वो तो पता चलेगा ना कि क्या चीज तब्दील हो रही है। बाकी ये कि वाटर चेंज करने के लिए, टेस्ट चेंज करने के लिए अब तो बहुत सारे मेथड आ गए। तो अच्छा अब तो ये है कि थोड़ा सा अगर नारियल का पानी डाल लिया जाए, लेकिन नारियल का पानी महंगा बहुत होता है। नारियल के पानी के दो तीन ड्रॉप्स डाल लें तो वो वाटर का टेस्ट चेंज हो जाता है। और आजकल जो मिनरल किसमें वाटर जो सर, पानी है किसमें ना, डालें? कूलर के अंदर? कूलर के अंदर डाल लें अच्छा तो वो बेहतरीन। आजकल जो ये ज्यादातर जो मिनरल वाटर्स की बॉटल मिल रही हैं, जी, उसमें ये सारा डाला होता है, क्या नाम है, ये नारियल का पानी डालते हैं उसके अंदर। कभी नोट कीजिएगा तो छोटी बोतलों अच्छा में। हाँ, ये मैंने पता सबसे पहले कब देखा था, मैं थाईलैंड गया था तो वहां पे जो मेरी पीएचडी के दौरान, तो वहां पे ना वो पानी की बोतल होती थी, उसका टेस्ट बहुत जबरदस्त मजेदार सा होता था। तो वहां पे था ही था लड़का, मैं कहता था यार मैं बोतल उठा के ले जा रहा हूँ। फिर मैं अपने रूम में आके ना वो पानी पानी की बोतल खास तौर से रिक्वेस्ट करके लेके आता था। तो यहाँ आके फिर वो अब वही टेस्ट ना मुझे यहाँ पे ही मिलता है, जो आप नेस्ले की छोटी छोटी बोतल ले, बड़ी नहीं, कैन में नहीं मिलेगा अच्छा आपको, जो सही। स्मॉल है ना, लीटर से भी छोटी जी है। जी सर, वो छोटी वाली 30-30 रुपए की या 35 की शायद होती है। जी, उसमें जो है ना अच्छा वो, ये बाद में पता चला कि उसमें नारियल का पानी डालते हैं, तो नारियल का पानी ओ, डालने तो से मतलब ये एक ट्रीटमेंट के तौर पे काम कर रहा है ऐसे। वो, ये कहते हैं ना, मैंने आपके साथ, आपने पढ़ा था वाटर, मेरा वाटर का कोर्स लिया था, ये नहीं हुआ था। शहरियार वगैरह थे ना, तो टाइप्स ऑफ वाटर थी। उसमें एक होता है पैलेटेबल वाटर। पैलेटेबल वाटर वो होता है जिसका यानी प्लेजेंट टेस्ट हो, टेस्ट अच्छा हो जिसका। अच्छा एक तो हम पानी पी रहे हैं, मिनरल वाटर का टेस्ट अच्छा नहीं होता, वो सादा सिंपल पानी होता है। लेकिन हाँ अगर सर, पानी पैलेटेबल वाटर क्या होता है, जिसका टेस्ट पीने में मजा आए, तो वो उसको पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो उसके अंदर जो है वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ नारियल का पानी डालते हैं, ताकि उसका टेस्ट जो है ना वो आपको उसकी एस्थेटिक वैल्यू अच्छी लगे। एस्थेटिक तो देखने की होती है, अच्छा पर पीने पीने की उसका टेस्ट अच्छा लगे आप, तो वो ये कर सकती हैं। सर पर केमिकली अगर देखा जाए, अगर उसके फॉर एग्जांपल पानी के अंदर वो टेस्ट करवाए और कोई न्यूट्रिएंट उसके अंदर कुछ ज्यादा है, फॉर एग्जांपल के नाइट्रोजन वगैरह या कुछ इस तरह की कुछ चीजें अगर ज्यादा है, तो फिर वो भी नॉर्मल करता है क्या, या सिर्फ टेस्ट चेंज करता है? मतलब ये आर्टिफिशियल है? गोभी? गोभी या वो भी? हाँ गोभी वो की बात? भी वो नहीं, भी? वो हाँ गोभी? अच्छा, मैंने कहा गोभी, गोभी भी शायद कोई इस तरह की काम। नहीं, नहीं। वो नहीं, वो तो कब नहीं करेगा, वो तो खैर मिनरल डेफिशिएंसी तो नारियल का पानी नहीं करेगा। अगर कोई अच्छा मिनरल डिस्टरबेंस आ रही है तो वो तो उसकी ट्रीटमेंट से ही होगा। अच्छा, सही सर। मैं उसको बोलूंगी कि पानी भी चेक करवाए, और दूसरा ये कि अगर कोई चीज उसमें ज्यादा नहीं है तो फिर नारियल का पानी ऐड कर ले। अच्छा हाँ, उसके अंदर ऐड कर लेंगे। सही कह रहा हूँ मैं शहरियार साहब? और ये थैंक यू सर। मैं
मैंने सही कहा क्योंकि मेरा पानी पे तो काम है, लेकिन ये बैठे हैं यहाँ पे जीशान जीशान को। बेसिकली सर वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। पानी का टेस्ट दो तीन वजूहत से चेंज हो रहा होता है, या तो उसकी टीडीएस वैल्यू की वेरिएशंस हाँ होती है, ठीक टीडीएस की वेरिएशन आ गई थी। है, एक एक सर्टेन लिमिट होती है ना ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, अगर जी जी उससे जी जी आपकी लिमिट कम पे जा रही है ना, टीडीएस वैल्यू कम जा रही है, तो आपके पानी का टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाता है। तो दूसरा फर्स्टली हार्डनेस यू होती कैन है, इवेलुएट वही टीडीएस इवेलुएट कि हार्डनेस आपके वैल्यूज क्या आ रही है। जी। दूसरा हार्डनेस होता है नहीं, कि अगर हार्डनेस उसकी वैल्यूज भी अगर फ्लक्चुएट हो जाएं सर, मैग्नीशियम की या कैल्शियम और टीडीएस मैग्नीशियम की। का दूसरा नाम हार्डनेस ही है। हार्डनेस मतलब हार्डनेस की वजह से हाँ टीडीएस बढ़ती है। बहुत सारे अच्छा मिनरल्स टीडीएस हैं, अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर कलेक्टिवली बहुत सारे मिनरल की बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन मिनरल्स हो आ जाते जाती हैं। है। हाँ वो हाँ सारी हाँ हाँ उसके अंदर ही आ जाते हैं। अच्छा आई अच्छा हैव अच्छा अच्छा 12 पार्टिसिपेंट्स इन मीटिंग, मेरे पास 12 पार्टिसिपेंट्स आ गए और वन बाय वन मजीद ऐड हो रहे हैं। ज्यादातर इन्वायरमेंटलिस्ट आए हैं, अभी जो दूसरा ग्रुप है वो नहीं आया। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का है और इन्वायरमेंटलिस्ट है। अच्छा ये एसजीएस वाले भी आ गए सारे, एसजीएस वाले आ गए सारे। जी सर, मैं हूँ प्रेजेंट। जवाद हैं तो फात भाई भी हैं। एसजीएस जी जी फात भाई भी आ गए। जी फाद भाई भी आ गए। सर, जीशान मैं अली, तो निशान अली भी आ मोस्टली गए। ठीक है ठीक है। निशान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मेरे अदनान भाई पास, शायद सर लेट होंगे, शायद अच्छा अदनान भाई ऑफिस में ही थे, लेट निकले थे थोड़ा, अच्छा अच्छा चले तो बता ठीक है, मैं तकरीबन 8:15 पे तो हम निकले, सोचा अदनान भाई ऑफिस में थे, शायद लेट ज्वाइन करें। अच्छा चले। वकास भी आ गए। वकास अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। आप लोगों ने वीडियोस जो मैंने अपलोड की थी वो कुछ देखी जाके? अच्छा जी सर देखिए, कहाँ तक लेक्चर ले लिए? सर मैंने तो कंप्लीट कर लिया है सारा, परफेक्ट हम जब देख लिए थे हो सारे गया। तो जी सर, कोई इस लास्ट प्रॉब्लम तो नहीं न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल आपने करवाए थे, नहीं अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रहा है? जी सर, चलो तो उसी को डिस्कस कर लेते हैं, जो क्योंकि हमारा इंटरेक्टिव सेशन है तो इसमें जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे। अच्छा एक मैंने सीजन्स के हवाले से बताया था, मैंने कहा था कि अर्थ की जो मूवमेंट है वो दो मूवमेंट है, एक तो स्पिनिंग मूवमेंट है और एक रिवॉल्वेशन है, रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग राउंड द सन, रिवॉल्विंग राउंड द सन। जी सर, दो ठीक है, तो वो सूरज के गिर्द भी, मूवमेंट है ना सर, हाँ दो मूवमेंट है, एक हाँ एक जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, जैसे स्पिनिंग, जिसको स्पिनिंग कहते हैं, जी स्पिनिंग में बॉल स्पिन करता है, और दूसरा जो है वो अपने ऑर्बिट की गिर्द भी घूम रही है। ऑर्बिट, एक्चुअल ऑर्बिट जो है वो प्लेन कहलाता है, पढ़ाया था मैंने प्लेन आपको, ऑफ द प्लेन सन। ऑफ द सन। ठीक है, एक्चुअल ऑर्बिट तो वो होगा, लेकिन अर्थ टिल्ट होने की वजह से, 23.5 डिग्री टिल्ट होने की वजह से वो अपने एक्चुअल प्लेन से फिर जाती है, मतलब घूम जाती है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ, क्या कहते हैं, हमारे पास आज 22 जून है, और 22 जून को हम जब क्या होता है, सर लॉन्गेस्ट डे चलते हैं। वी हैव द लॉन्गेस्ट डे आज, हमको पता है लंबा दिन, बहुत लंबा दिन था आज, तो वी हैव द लॉन्गेस्ट डे, बहुत सारे हमने काम कर दिए फिर भी रात नहीं आ रही थी। सो वी हैव टू टाइप्स, हाँ वी हैव टू टाइप्स ऑफ, यू कैन से हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक तो सोलस्टिस हो जाएगा और दूसरा जो है वो हमारा इक्विनॉक्सिस। इक्विनॉक्सिस हो जाता है। इक्विनॉक्सिस मींस वी हैव इक्वल डे एंड नाइट। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सोलस्टिस की, तो वी हैव लॉन्गेस्ट डे एंड वी हैव द लॉन्गेस्ट नाइट, सबसे लंबी दिन, सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात, या सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन, यू कह सकते हैं आप। तो आज जो जो 22 जून है, तो इसमें वी हैव द लॉन्गेस्ट डे एंड वी हैव द शॉर्टेस्ट नाइट, और ये सोलस्टिस कहलाता है। और सोलस्टिस किस वजह से होता है कि अर्थ जो है वो कहाँ चली जाती है, अमजद? ठीक सर अबव दी प्लेन और बिलो दी प्लेन। है, तो नाउ वी आर बिलो द प्लेन और अबव द प्लेन। जी सर, हम कहाँ पे इस वक्त? सर हम लोग होंगे अभी बिलो दी प्लेन पे, बिलो द क्योंकि प्लेन नॉर्थ पे होंगे, डायरेक्ट अबव चल रहे द हैं। प्लेन सर, अबव द प्लेन होंगे, ये किसने कहा? बिलो दी प्लेन होगा सर। नहीं वैसे अगर मैं, जिसने भी कहा है, देखिए रीजन रीजन के साथ होना चाहिए, हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ। क्योंकि सर समर सोल्स्टिस जो है वो बिलो दी प्लेन आता है।
नॉर्थ पे डायरेक्ट सनरेज हिट कर, नॉर्थ नॉर्थ जो होता है हमारा। अच्छा मैं इसको स्क्रीन शेयर करके खोल लेता हूं, मेरे पास अगर ये खुल जाए तो मैं इसको खोल लेता हूं। एक मिनट मेरे पास कहाँ है अभी, मैंने हालांकि अच्छा आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। स्क्रीन सबको शेयर हो रही है जी सर? वो ठीक है, ये तो बहुत इजी सी है ये। आप जो मैंने पढ़ाया था वो थोड़ा सा टिपिकल था, और इसके मेरे पास नोट्स नहीं है तो मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा। तो ये आपका सन है, सन इतना छोटा नहीं है, सन तो बहुत बड़ा है। समझाने के लिए आपको सन यहाँ पे छोटा दिखाया है। सो वी हैव सन हियर एंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और इसमें ये जो आपको ये वाला एरो है ये क्या शो कर रहा है? स्पिनिंग हो रही है सर, ये स्पिनिंग हो रही है। गुड, तो वी हैव सोलिस्टिस, वी हैव सोलिस्टिस सेंट्रिक क्लॉकवाइज जी, वी हैव सोलिस्टिस एंड वी हैव इक्विनॉक्सिस। तो दो टाइप्स की इक्विनॉक्सिस होती है, एक वर्नल इक्विनॉक्स होती है। वर्नल इक्विनॉक्स किसे कहते हैं कमजा, किसे कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स? सर जब हमारा एक सीजन चेंज हो रहा होता है, सर्दी से गर्मी आ रही होती है, मतलब स्प्रिंग का वेदर जो उसमें बताया हुआ भी है। गुड, सो वी हैव स्प्रिंग, स्प्रिंग इक्विनॉक्स को हम कहते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। और दूसरी तरफ अगर हम ऑटम की बात करें तो वो ऑटमनल इक्विनॉक्स कहलाता है। और ये ज़्यादातर डेट्स आपको जो है वो 22nd की मिलेंगी, नियरली 22nd की। तो 21st या 22nd समर सोलस्टिस आज था 22 जून। ये लकीरें पड़ रही हैं, इसको हटाइएगा, ये लाइनें जो ड्रॉ कर रहा है वो निशान नजर आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। तो समर सोलस्टिस एंड वी हैव इक्विनॉक्स। समर के बाद हमारे पास इक्विनॉक्स आ जाएगा, फिर भी वी हैव विंटर सोलस्टिस एंड वी हैव वर्नल इक्विनॉक्स। अच्छा इसमें जो हमारे पास इक्विनॉक्सेस है, इक्विनॉक्सेस इसमें अर्थ कहाँ होती है, वेयर द अर्थ लाइज? सर प्लेन ऑफ द सन के साथ उसका इक्वेटर पैरेलल हो जाता है। ठीक है, यानी वी हैव द पैरेलल, वी हैव पैरेलल इक्वेटर, एक्चुअल इक्वेटर जो होता है। हाँ, एक्चुअल इक्वेटर जो हमारा एक्चुअल इक्वेटर, जो एक्चुअल हमारा प्लेन ऑफ द सन है उस पे इक्वेटर आ जाता है। तो क्योंकि वो इक्वल आ जाते हैं तो अर्थ की जो सन की जो रेज है या रेडिएशन है वो इक्वली अर्थ पे फॉल करते हैं। सो वी हैव इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट। ठीक है, इन दोनों पे हमारे पास इक्वेटर बिल्कुल एग्जैक्टली उस पर आ जाता है, तो हमारे पास इक्वल डे और इक्वल नाइट होते हैं। जबकि इस केस में यहाँ पे क्योंकि सन रेडिएशन पड़ी है, सो वी हैव ये आपको नजर आ रहा होगा ये एरिया। तो नॉर्थ का जो एरिया है, नॉर्थ का फोकस जो है वो स्ट्रेट है, तो वी हैव क्या कहते हैं इसमें, इसमें हमारे पास नॉर्थ पे स्ट्रेट पड़ती है, और जो साउथ है वहाँ पे वो क्या कहते हैं, साउथ जो है वो डार्क में चला जाता है। इस वजह से साउथ में सर्दी होती है, नॉर्थ में हमारे पास गर्मी होती है। तो अभी करंट हमारे पास सिचुएशन यही चल रही है। इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या जो मैंने न्यूमेरिकल आपको कराया था उसके अंदर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिएगा। न्यूमेरिकल मैंने कराया था आपको एंगल के हवाले से, एंगल मैंने करवाया था, ये मैंने कोई 11 और 12 लेक्चर में कराया आपको। अच्छा सर मैंने 8 तक देखे हैं खाली, 8 तक देखे। अच्छा 8 तक हमने क्या पढ़ा है मुझे याद नहीं है। 8 तक मेरे ख्याल में मैंने आपको यही एंगल सिस्टम पढ़ाए हैं। हां सर, आपने ट्रॉपिकल रीजन और इस तरह की चीजें पढ़ाई थी। हां वो ट्रॉपिकल्स पढ़ाए थे, ट्रॉपिक्स डिवीजन बनाए थे जी। हां ट्रॉपिक्स के अंदर आपको सब ट्रॉपिकल रीजंस के अंदर। अच्छा इसमें एक चीज और मैं ऐड कर दूं, इस कंडीशन में ये जो इस वाली कंडीशन के अंदर ये जो आपके नीचे वाला एंटार्कटिक है इस पे आपको मुस्तकिल लाइट मिलती है, यानी 6 महीने का डे हो जाता है इस कंडीशन के अंदर। नजर आ रहा है आपको यहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है? तो इस कंडीशन के अंदर यानी जब हमारे पास विंटर सोलिस्टिस होगा, विंटर सोलिस्टिस होगा, तो विंटर सोलिस्टिस में एंटार्कटिका पे जो है वो लाइट होगी। और जब ये समर सोलिस्टिस यानी आज के दिन में, तो ये 6 महीने के लिए, क्योंकि देखें
सन रेडिएशन बिल्कुल यूं पड़ रही है, स्ट्रेट पड़ रही है नॉर्थ पे, तो नॉर्थ पे हमारे पास सन रेडिएशन पड़ रही है, और जबकि आपका जो साउथ है यानी बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ जिसको हम पोल कहते हैं, साउथ पोल, साउथ पोल पे सूरज की रेडिएशन बिल्कुल नहीं पहुंचती। इस वजह से हमारे पास ये 6 मंथ का जो है वो ड्यूरेशन होता है जिसमें 6 महीने के लिए अंटार्कटिक जो है वो अंधेरे में चला जाता है। तो ये चीज़ बतानी थी। और मैंने आपको एंगल सिस्टम बताए थे, एंगल सिस्टम के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि नून सन एंगल मैंने रिसेंट पढ़ाया है, वो तो खैर बिल्कुल लास्ट में है। इससे पहले मैंने आपको सीजन पढ़ाए थे। सीजन के हवाले से आपने कुछ पूछना हो कि अर्थ टिल्टिंग जो है वो कंट्रीब्यूट करती है सीजन को, तो इस पर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ ले। आप लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए हो आज। अच्छा मेरे पास एक वीडियो है, मैं खोल लेता हूँ इसको। सर मैं पूछ लूँ एक चीज? हाँ पूछ लो, रेज हैंड। जो आपने जो थीटा बताया था वो बेसिकली लैटिट्यूड होता है किसी भी लोकेशन का, ऐसे ही है? क्या चीज क्या कह रहे जो आपने थीटा बताया था, थीटा MIT वालों ने बनाई थी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक वीडियो, ये नजर आ रही है आपको यूट्यूब की? इसे जस्ट एक वीडियो देख लेता है ताकि समझ में आ जाए। सर साउंड नहीं है सर, इसमें साउंड नहीं आ रहा? नहीं सर। एक मिनट, साउंड नहीं आ रहा आप लोगों को? अब आ रहा सर। नहीं मेरी आ रही होगी ना, ये वीडियो की नहीं आ रही? नो सर, बिल्कुल भी नहीं आ रही। वीडियो आ रही है, साउंड नहीं आ रहा। ओहो, वीडियो का साउंड नहीं आ रहा सर, आपका आ रहा। मेरा साउंड आ रहा है। चलिए इसमें क्या क्या कैसे साउंड शेयर होता है मुझे इसका आइडिया नहीं है। सर आप खुद को म्यूट करें, शायद आवाज आ जाए। अच्छा तो मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? नहीं सर म्यूट करने से नहीं आएगी। हां फिर क्या होगा, नहीं आएगी साउंड आएगी नहीं इसकी? जी सर बिल्कुल ही बंद हो जाएगी आवाज। ये मैं अगर म्यूट कर दूं, म्यूट माय वीडियो, म्यूट माय ऑडियो, फिर भी नहीं आएगी? सर एक्सपेरिमेंट करके देखें। सर अपनी डिवाइस ऑडियो ऑन कर लें और माइक को डिस्कनेक्ट कर दें, आप पीसी की आवाज जो रिकॉर्ड किया था वो हमें शेयर कर दें। आवाज आ रही है आप लोगों? नहीं सर, म्यूट करने से नहीं आ रही। सर आपकी आवाज तो आएगी, आपके माइक में इसकी आवाज आ सकती है, उसके अलावा डायरेक्ट वीडियो की आवाज नहीं आएगी क्योंकि सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, इसका वॉल्यूम शेयर नहीं होगा। तो फिर मैं अपने माइक को उधर लगाऊं इस पे? अगर आपके पास स्पीकर्स हैं तो आप स्पीकर को इन कर दें इसमें, एयरफोन्स में, एयरफोन्स वाले प्लग में, और माइक अगर अलग है आपका तो आप उसको माइक को करीब कर दें तो फिर हमें सुनाई देगा। ये नहीं, मेरे पास तो स्पीकर नहीं है मेरे ख्याल में, फिर आवाज नहीं आएगी सर। फिर इसको जस्ट गो थ्रू कर ले एक दफा और क्या कर, ठीक है सर? अटैच कर दीजिएगा ये भी, देखिए अटैच कर दूंगा, ये लिंक मौजूद है उस पे।
कुछ लोग अभी आए हैं उनको ऐड कर लें। जी हाँ जी, देख ली वीडियो आप लोगों ने? जी सर। आवाज आई थी आप लोगों को? नहीं नो सर, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, ये आपको लिंक भी शेयर करता हूँ, समझाने के लिए एक एजुकेशनल वीडियो थी इन्होंने डाली थी। ये कह रहे हैं कि इसमें एक दिखाया कैंगरू दिखाया गया और दूसरी तरफ आपको बर्फानी कोई मेंढा सा दिखाया गया। तो कैंगरू ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और दूसरा जो था वो जो भैंसा सा जो था वो अमेरिका नॉर्थ अमेरिका का था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम कहाँ, दिखाया गया कि भाई कैंगरू पूछ रहा है तुम कहाँ हो, इस वक्त तो शदीद गर्मी चल रही है। तो वो एट द सेम टाइम जो भैंसा था वो कहने लगा नहीं यार, हम बफेलो जो था कि हमारे यहाँ तो बहुत शदीद सर्दी है, तुम गर्मी की बात कर रहे हो। क्या भाई मैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तुम कहाँ रहते हो? मैं नॉर्थ अमेरिका में रहता हूँ। तो ये डिफरेंस क्यों हुआ? डिफरेंस ऐसे हुआ कि भाई कॉन्सेप्ट थ्योरी ये है कि पहले भी एक थ्योरी थी कि भाई जब जमीन सूरज के करीब आ जाती है, वो जो उन्होंने एक सर्कल ड्रॉ किया था, एक सन बना के उस पर एक सर्कल ड्रॉ किया था कि जब अर्थ जो है वो सूरज के करीब आती है तो गर्मी होती है और जब दूर चली जाती है तो सर्दी हो जाती है। बेसिकली अर्थ की मूवमेंट में जो है, अर्थ का जो ऑर्बिट है वो सूरज से दूर चला जाता है। तो वो कहते हैं दिस थ्योरी वॉज रॉन्ग, वो थ्योरी बिल्कुल गलत थी जिसमें दिखाया गया था कि अर्थ बहुत दूर चली गई है। उसने कहा बेसिकली थ्योरी ये गलत है, असल थ्योरी है कि अर्थ इज बेसिकली टिल्टेड और इस टिल्टनेस की वजह से जो है अर्थ पे सीजन आते हैं। तो फिर इसमें नॉर्थ और साउदर्न हेमिस्फीयर का बताया कि एक तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है क्योंकि वो डायरेक्ट सनलाइट ले रहा होता है। अच्छा, एक चीज उसने बताई, एक चीज वो जो ये बता रहे थे कि जिसमें टॉर्च वाला जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके बताया, कहने के जब सन रेडिएशन इज लाइक अ टॉर्च, जब आप टॉर्च मारते हैं किसी एक सर्टेन सरफेस पे यानी एग्जैक्टली उसके ऊपर, तो जब आप उसके ऊपर मारते हैं तो वो जो क्योंकि वो लाइट जो है कंसनट्रेटेड होती है तो उस जगह पे मैक्सिमम एनर्जी आ रही होती है, यानी वो जगह बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और जब आप टॉर्च को थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं यानी फैलाते हैं उसकी, तो लाइट यानी लाइट का जो वो एरिया है वो बढ़ जाता है, लाइट दूर तक जाती है, एनर्जी उतनी ही रहती है लेकिन एनर्जी जो है वो एरिया कवर करती है, जिसकी वजह से क्या होता है गर्मी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यही कंडीशन वो कहना है कि जब नॉर्थ पे एग्जैक्टली जो है सनलाइट डायरेक्ट पड़ रही होती है तो उस वक्त वो गर्म होता है, जैसे आजकल कराची है, पाकिस्तान है। लेकिन साउथ में क्या होता है वो इनडायरेक्ट पड़ी होती है, इस वजह से वहाँ पे सर्दी आपको महसूस होती है। तो ये एक वीडियो उन्होंने बताई थी, ये इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो इसके आगे जो मैंने आपको लेक्चर्स पढ़ाए हैं जिसके अंदर मैंने ऑटम्नल इक्विनॉक्सेस और वर्नल इक्विनॉक्सेस और उसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ एंगल है, उसके बाद उसका जो नून सन एंगल लाजमी देखिएगा, मैं एक टर्म बता रहा हूँ नून सन एंगल, अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दे। इसमें तो कोई मुश्किल नहीं होगी, तो बहुत आसान है, सिंपल है इसके अंदर तो। बिल्कुल सर, क्योंकि उसके बाद 10A और 10B दो इस तरह के थे सर, सॉलिस्टिस है उसके अंदर, वो आप ले लीजिएगा, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। दूसरा मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर जो है वो आर्क जीआईएस का 10.1 वर्जन पड़ा हुआ है ऑफिस के अंदर, अगर आप कहेंगे, लेकिन मुझे उसकी इंस्टॉलेशन नहीं आती, वो क्रैक वर्जन है बेसिकली। तो अगर किसी को क्रैक वर्जन की इंस्टॉलेशन आती है आर्क जीआईएस की, वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है 10.1, मैंने उर्दू यूनिवर्सिटी से लिया था। तो अगर आप में से किसी को आती है तो कल हम ऑनलाइन या परसों ऑनलाइन होके हम सारे उसको इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हम उस पर कोई प्रैक्टिकल वर्क शुरू करें। अब तक तो थ्योरी तो बहुत हो गई, हमने भी पढ़ लिया कि भाई कैसे है उसके एंगल के हवाले से हम एक दिन क्लास यानी ऑनलाइन सेशन रख लेंगे, क्योंकि एंगल कैलकुलेशन हर किसी को समझ में नहीं आएगी। अमजद आपको तो मेरे ख्याल में समझ में आ गई, अमजद
हेलो क्लास ऑनलाइन करके सारे गायब तो नहीं हो जाते कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू आ रहा है सुन रहे हैं अच्छा अच्छा तो किसने मेरे सारे लेक्चर ले लिए 12th के 12th या भी रहते हैं सर अभी रहते हैं अभी रहते हैं तो आप लोग इसको इस वीक कंप्लीट कर लेंगे जी सर इंशाल्लाह कल इसको कंप्लीट कर लीजिए और आर्क व्यू मैंने आपसे कहा था अगर किसी को इंस्टॉलेशन आ गया है तो वो शेयर कर दें हमसे अभी इंस्टॉल कर सकते हैं तो अभी आ जाएं अगर कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है मुझसे मैं खोल लेता हूं इत्यातन आर्क व्यू अच्छा आर्क व्यू वर्जन 3.1 इस पे कोई मेरी हेल्प कर दे अगर इसको डाउनलोड कर लेंगे इसरीज के साथ होता है इसरी स्पोर्ट एनवायरमेंटल इस तरह करके मुझे इसका याद नहीं है सही इसरी वो इदारा है जो बेसिकली आर्क जीआईएस के सॉफ्टवेयर बनाता है सर ये ऑनलाइन नहीं होगा सर अगर कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो ऑनलाइन कि डायरेक्ट ऑनलाइन वो है ना काम कर सके उस पे डायरेक्ट ऑनलाइन ही इंस्टॉल करने पड़ते हैं एक्सई फाइल होती है इनकी आरक्यू 3.1 वर्जन फ्री डाउनलोड क्रैक वर्जन होता है मेरे ख्याल में क्रैक होता है या सिंपल ये तो डाउनलोड ही हो जाता है लेकिन वो इसके अरे क्यूजीआईएस भी तो होता है ना जी क्यूजीआईएस भी तो होता है ना एक क्यूजीआईएस वो मुझे नहीं पता उस पे मैंने काम नहीं किया सर कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई हुई है उसको जरा देख लें पार्टिसिपेंट्स है सी वेटिंग रूम पार्टिसिपेंट है अमजद तो थे पहले हमने इसे क्लाइम कर जाती शायद सर 3-4 बंदे सबको मैंने ओके कर दिया अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम मुनीर अब्बास सर वो क्लास के 9:45 पे शुरू किया आपने हाँ हाँ सर तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था अब तुम ये नहीं कहना सर मैं ऑफिस से लेट आया हूँ नहीं नहीं सर मैं तो 6 बजे का आया हूँ अच्छा मुनीर अब्बास मुझे पक्का पता है कि आप जो है ऑनलाइन होके गायब हो जाते देखें अभी तक आवाज नहीं आई इनकी सर -10 कर लिया खुद ही आ जाएगा लाइन अच्छा जी ये सॉफ्टवेयर अगर किसी को है अगर आइडिया कि भाई कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तो मुझे बताता रहे सर कंप्यूटर साइंस वालों को बोलो को क्रैक कर दे सीएस वाले एक मोहम्मद वकास है वकास जी सर वकास ये कैसे ऑनलाइन कैसे इंस्टॉल करेंगे हम इसको जी इसको वर्जन को तो इसका क्रैक पड़ा हुआ है आपके पास नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है यहाँ ये डाउनलोड लिखा है मैं करके देखूं सर ये सिर्फ exe फाइल होगी इसका क्रैक नहीं है इसमें तो फिर ये इंस्टॉल नहीं होगा इंस्टॉल हो जाएगा लेकिन फ्री वर्जन पे चलेगा ये लेकिन इसकी exe जो क्रैक होती है ना वो चाहिए होगी वो भी चाहिए होगी अच्छा यहाँ से इंस्टॉल करो इसका कुछ ना कुछ तो खुलेगा ना अब इसका टॉरेंट देखें ना टॉरेंट देखें हाँ टॉरेंट से देखें टॉरेंट पे exe फाइल के साथ मिल जाएगा आपको वो डाउनलोड कर लें वो पहले आप exe फाइल रन कर दें फिर क्रैक का जो भी पैच हो आर्क व्यू अब आ रही है सर क्या लिखो इस पे हाँ आ रही आवाज आर्क व्यू वर्जन आर्क व्यू विथ क्रैक विथ क्रैक लिखो विथ क्रैक या पैच और टोरेंट लिखो इसको आगे या ऐसे लिख दो जी जी टोरेंट फाइल गूगल पे लिख दें सिंपली गूगल पे ये तो आरजीएस खुल गया है तो मेरे पास क्रैक वर्जन पड़ा हुआ है लेटेस्ट 10.1 पड़ा हुआ है मैं चाह रहा हूं इस पे भी काम कर लूं उस पे पूरा हां तो सर अगर वो तो अगर आपके पास क्रैक पड़ा हुआ है तो सिर्फ
पहले आप exe फाइल जो होती है ना इंस्टॉलेशन फाइल खोलिएगा, फोल्डर दिखाए मुझे। अभी नहीं है मेरे पास, मैं कल लेके आऊंगा उस ऑफिस से। मैं आपको सर को, कल मेरी शिफ्ट होगी तो मैं आपको ऑफिस से डाउनलोड करके ना ईमेल के ऊपर सेंड कर दूंगा उसका exe जो पैच है ना। ठीक है, आपके पास वो इंस्टॉलेशन फाइल होगी, पैच आप मैं जो दूंगा वो चला दिएगा, दोनों पे रन होगा वो, फिर चल जाएगा सॉफ्टवेयर। अच्छा उस पे चल जाएगा वो? जी जी आसान फरी। चलें ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। लैपटॉप तो आप सबके पास होंगे, हेलो मेरे का लैपटॉप सर है तो, पर पता नहीं टाइम पे चले ना चले, ये भी तो नहीं पता वो सॉफ्टवेयर हमारे पास। नहीं, उसको मैं तो फोन से ऑनलाइन हूँ। ओह यार लैपटॉप रख लेना ताकि हम उसे इंस्टॉल तो कर लेंगे। मैं घर पे हूँ, घर पे हूँ ही नहीं ना सर, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। ओह अच्छा, कौन है? सर बदर इकबाल। बदर इकबाल, बदर बाहर बाहर हो आप? बदर आप कंप्यूटर साइंस के हो ना? नहीं सर मैं तो पावर सिस्टम का हूँ। पावर सिस्टम को तो जी सर, मैं ये आपको टॉरेंट जो है, नहीं सर मैं आपको इंस्टॉल ये कर दूंगा कल, इसका टॉरेंट जो है ना ऑफिस जाके तो मैं डाउनलोड कर लूँगा पूरे क्रैक के साथ, तो मैं आपको दे दूँगा। चलिए ठीक है, फिर ये कर दीजिएगा मुझे। और बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो इसमें, अब तक के जो लेक्चर जो हैं 9-10 लेक्चर तक, तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लिया। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर, किसी को भी नहीं है? नो सर। हम लोग लेक्चर कंप्लीट करें उसके बाद फिर क्वेश्चन वाला सेशन रखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं कंप्लीट वो सेशन। लेक्चर भी होगा फिर तो क्या कह रहे, क्या कह रहे? हेलो उस्मान अकबर, आप क्या बोल रहे हैं? उस्मान क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं सर वो सेशन फिर कभी नहीं होगा अगर आप बाद में रखेंगे, इसलिए रख लें पहले। नहीं तो वो आप लोग लेक्चर्स तो पूरे कर लें उसे, ताकि फिर हम लोग मिड टर्म की भी, मिड टर्म 22 हो गया ना, तीन तारीख को मिड टर्म। एक काम करें, मिड टर्म से एक दिन पहले क्लास रख लें। अरे यार वो सर मेरी बात सुने ना, एक दिन पहले ना रखे सर, दो दिन पहले रखे, तैयारी ताकि जो सबके क्वेश्चंस वगैरह भी हो जाएं। मुझे पता है सर मिड टर्म से जस्ट एक घंटा पहले भी रखनी पड़ेगी। मिड टर्म में कितने चैप्टर इंक्लूड है? चैप्टर जो जो पढ़ा है वो सब इंक्लूड है सर। मेरी बात सुने ना, हम लोग मिड टर्म को डिस्कस कर लेते हैं और ये डिस्कस कर लेते हैं कि पैटर्न कैसा आएगा, ताकि हम लोग उस हिसाब से तैयारी शुरू करते हैं। सर पहले लेक्चर तो कर लें सारे, लेक्चर पूरे कर लें। कोई बात एक दफा लेक्चर रिव्यू करके उसमें उसको आप नोट डाउन कर लें, जो क्वेश्चन करना हो आपको मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? फिर जब ये आप मुझसे पूछ लेंगे, फिर एक दिन बैठ के हम इसकी कोई कैलकुलेशन भी कर लेंगे, फिर फाइनली मिड टर्म के बाद जो है उसके फिर सॉफ्टवेयर पे चले जाएंगे। सॉफ्टवेयर सर जीआईएस का होगा या रिमोट सेंसिंग का? जीआईएस का। हां रिमोट सेंसिंग में तो क्लास लेनी है आपको। हां सर अभी मिड टर्म में आप जीआईएस का ही रखें सर। अभी तो रिमोट आरएस भी है, मुझे आरएस तो याद ही नहीं रहा। रिमोट सेंसिंग सर मिड टर्म के बाद ही रखें। रिमोट सेंसिंग सर अभी जीआईएस तक रख लें, अभी जीआईएस तक कर लेते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर पे काम कर लेते हैं। हेलो दो पार्टीशन हो जाएंगे सर, इजी भी हो जाएगा समझने में। ठीक है सर। जी जी सर मिड टर्म का कुछ डिसाइड हुआ? मिड टर्म का डिसाइड 3 तारीख के बाद ही है मेरे ख्याल में, आफ्टर 3। सर इनको बोले डायरेक्ट फाइनल ही ले लें। डायरेक्ट फाइनल कैसे ले लें? ठीक है। अच्छा सर ये एनरोलमेंट के लिए क्या मतलब कुछ क्या चल रहा है उसके लिए कुछ कोई खबर है? नई एनरोलमेंट के लिए या जो पुरानी एनरोलमेंट? नहीं सर, क्योंकि हम तो अभी मेरा तो पहले सेमेस्टर होगा ना। नहीं आप कोई और स्टूडेंट आना चाह रहा है, ज्वाइन करना चाह रहा है, या आप फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बात कर रहे हैं? फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बात कर रहा हूं सर। फाइनल तो बकरी एनरोलमेंट आपकी आपका गैप क्लियर हो गया था? जी सर हो गया था बिल्कुल, सब चीजें मतलब सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हैं। जो फॉर्मेलिटीज हैं आपकी एचएससी अटेस्टेशन हो गई और दूसरा सब हो गया सर। इक्विवेलेंसी है तो इक्विवेलेंसी निकलवानी है, एमएससी है या बीएस? सब हो गया सर, बीएस है, इक्विवेलेंसी भी सबमिट की हुई है। इक्विवेलेंसी सबमिट बीएस है ना आपका? जी सर 4 साल का, तो फिर इक्विवेलेंसी नहीं होगी आपकी। लेकिन कुछ स्टूडेंट है मुझे लग रहा है हसान फरीद नयरीन, ये दो स्टूडेंट हैं जिनकी मेरे ख्याल में इक्विवेलेंसी जमा होगी, बिकॉज दे हैव एमएससी डिग्री।
नहीं सर, नहीं सर मेरी बीएस तो नहीं थी, फिर भी मैंने जमा करवा दी थी। आपकी बीएस थी या एमएससी थी? मेरी बीएस थी सर। अच्छा बीएस थी। शरियान तुम्हारी तनवीर साहब ने कहा था कि फिर भी आप सबमिट करवा दो। सर मेरी बीएस है। बीएस है ना, बीएस वालों को मेरे ख्याल में प्रॉब्लम, बट आपके पास अटेस्टेशन होनी चाहिए, डिग्री का टेस्ट होनी चाहिए। सर वो भी हो गया है, वो जो मैडम होती है उन्होंने ये कहा था कि एनरोलमेंट के लिए कुछ आना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो फिजिकली रिव्यू भी करवाने पड़ेंगे, इस वजह से मैं पूछता हूँ। यार वो फिर मैडम ही बताएंगी, मुझे इसका आइडिया नहीं है। हाँ एक चीज़ मुझे पता है, जो तीन चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है, एक तो आपके पास डिग्री अटेस्टेड बाय एचईसी, ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आपके पास मास्टर्स है या थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी डिग्री है तो यू मस्ट हैव इक्विवेलेंसी। जैसे मेरा एमएससी था एनवायरनमेंट में, तो इक्विवेलेंसी बनवानी पड़ेगी आपको। तीसरे नंबर पे जो है आपका गैट क्लियर हो, गैट अगर क्लियर नहीं है तो गैट क्लियर हुआ है, वो क्लियर हुआ है। चौथे नंबर पे जो है आपका जो है वो क्या नाम है, बाकी तो और कुछ नहीं है उसमें, तीन रिक्वायरमेंट मेन मेजर रिक्वायरमेंट तो यही है। ठीक है, ठीक है। एमएससी वाले, ये जो एमएससी वाले जैसे मैं हो गया, फाद सलीम साहब हो गए, निशान शफी साहब हो गए, ये पुराने जो हैं, हमें तो इक्विवेलेंसी लेनी पड़ती थी। फाद साहब आपने आपने इक्विवेलेंसी ली थी? नहीं सर, मैं तो सबमिट कर दिया था, एक्सेप्ट भी कर दिया था इन लोगों ने। अच्छा उस वक्त मेहमान रिक्वायरमेंट नहीं थी, उस वक्त शायद रिक्वायरमेंट नहीं थी, अब लेकिन सख्ती हो गई है। सर मेरा भी एमएससी था, मुझसे भी नहीं लिया था। क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रही हूँ कि मेरा भी एमएससी था लेकिन मुझसे भी इक्यू बैलेंस वाला नहीं लिया था सर्टिफिकेट वाला नहीं लिया था, लेकिन अब वालों पे ये कर रहे हैं अब। अच्छा कंजा मेरे पास अगर थीसिस थीसिस करने हैं तो आपके लिए बता दीजिएगा। क्या क्या सर दोबारा बोले? थीसिस के हवाले से अगर आपने करना है तो फिर मुझे बता दीजिए। सर मुझे अगले सेमेस्टर से मुझे थीसिस करना है, बस मेरा एक